हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कैसे हो सकता है महामंत्री कुमार? अनिरुद्ध हमारे बिछाए हुए जाल से निकलकर जा ही नहीं सकता। परंतु महाराज, वो राजकुमारी उषा के साथ नहीं था। हमने पालकी की तलाशी अच्छी तरह से ले ली थी। अनिरुद्ध ने अवश्य हमसे कोई छल किया है कुमार। हो सकता है इतने सारे प्रहरियों को देखकर अनिरुद्ध महल के किसी कोने में छुप गया हो। सिपाहियों, कहारों, अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा। कहार, तुम रुक जाओ। तुम्हें हमारे साथ पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर चलना है। जो आज्ञा। हे त्रिनेत्रधारी, हे आदि माता पार्वती, आपने मुझसे राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा को मिलाने का शुभ कार्य दिया है। मेरी आपसे विनती है, आप इन दोनों के मिलन को अटूट बनाना और इस संबंध में मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसका अवसर अवश्य मुझे प्रदान करना। अब आप दोनों यहाँ से जल्दी से चले जाइए। पिता की घड़ी को और लंबा मत कीजिए। पता नहीं कब असुरेश्वर के छोड़े हुए सांप जो आप दोनों की ताक में है अपने बिलों से बाहर निकल आए। शीघ्र कीजिए, जाइए। रुक जाओ, असुरेश्वर ने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी बल्कि पकड़ कर लाने की अनुमति हमें दी है। इसलिए चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम। पिताश्री? कुछ नहीं। तो फिर हम जाएं? चलो कहारों। नारायण नारायण, ये तो चमत्कार हो गया भगवन। अनिरुद्ध तो पालकी में ही नहीं है, फिर वो कहाँ गया प्रभु? देव ऋषि, यह चमत्कार नहीं केवल बुद्धि का उपयुक्त प्रयोग है। अर्थात? अर्थात ये ऋषिवर कि मनुष्य को अति उत्सुकता कभी कभी बावरा बना देती है। हाँ। उसे विश्वास होता है कि उसने जो अपेक्षा की है वही सत्य होगा, परंतु उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसे घबराहट में डाल देता है और सामने रखी अपेक्षित वस्तु भी उसे दिखाई नहीं देती। वो तो है प्रभु। हाँ, ऐसा होता है। मनुष्य कोई वस्तु ढूंढता है, वो वही रखी होती है, फिर भी वो उसे नहीं मिलती। उसका कारण है उसकी उत्सुकता और घबराहट। वाह भगवन वाह। बस यही स्थिति इस समय कुम्हांड और द्वारपाल की थी, इसीलिए अनिरुद्ध उन्हें नहीं मिला। भगवन, ये ठीक है कि अनिरुद्ध उन असुरों के हाथ लगने से इस समय बच गया, परंतु असुर राजकुमार अनिरुद्ध को ढूंढने के लिए और उसे बंदी बनाने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे। तभी तो नाटक का मजा आएगा देवर्षि। नारायण नारायण, परंतु अनिरुद्ध इस समय कहाँ है भगवन, और क्या बाणासुर से शीघ्र ही पकड़ने में सफल हो पाएगा? देव ऋषि, आप तो इस नाटक में इतनी रुचि ले रहे हैं कि अभी से नाटक का अंत जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। प्रभु, आपका ये नाटक है ही इतना रोमांचक कि अब अंत तक धीरज रखना मुश्किल हो गया है। नाटक कितना ही रोमांचक हो, यदि उसका अंत पहले ही पता लग जाए तो नाटक का सारा रोमांच उसी क्षण नष्ट हो जाएगा।
फिर क्या होना है? इसमें दर्शक को कोई रुचि नहीं रह जाएगी ऋषिवर। ये बात केवल उषा अनिरुद्ध के दिव्य प्रेम नाटक के साथ नहीं है, समस्त जीवन का आधार ही रोमांच है। आहा। इस सृष्टि का चक्र ही अनिश्चितता के केंद्र और धुरी पर घूमता रहता है। जैसे ये पृथ्वी और सारा ग्रह मंडल घूम रहा है। वाह भगवान वाह, आपने अभी सृष्टि का चक्र किस अनोखे ढंग से चला दिया। मुनिवर, हर मनुष्य का जीवन भी एक ग्रह की भांति है, जो अपने केंद्र तथा अपनी धुरी दोनों पर चलता रहता है। यद्यपि उसका दोनों प्रकार से घूमना विधि अनुसार निश्चित है, परंतु वो स्वयं नहीं जानता कि आने वाला पल उसके लिए क्या लाने वाला है। मनुष्य तो बस इस अनिश्चितता में कुछ निश्चितता लाने के चक्र में आगे बढ़ता रहता है, सौ सौ वर्षों के साधन जुटाता रहता है, पर दूसरे ही पल में क्या होगा वो नहीं जानता। आने वाले पल और आने वाले कल के प्रति उसका अज्ञान ही जीवन नाटक में उसे सकारात्मक पात्र बना देता है। और कभी कभी वो जाने बिना कि कल उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला है, वो निश्चिंत होकर जीवन के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाए चला जाता है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप ही समस्त सृष्टि के सूत्रधार हैं, जो कोटि कोटि मनुष्यों के जीवन नाटक में सबके सूत्र अपने हाथों में लिए सबका नियंत्रण और संचालन करते रहते हैं। हे सृष्टि के सूत्रधार, आपको अपने परम भक्त नारद का कोटि कोटि प्रणाम। ये कैसे हो सकता है महामंत्री कुमार? अनिरुद्ध हमारे बिछाए हुए जाल से निकलकर जा ही नहीं सकता। परंतु महाराज, वो राजकुमारी उषा के साथ नहीं था। हमने पालकी की तलाशी अच्छी तरह से ले ली थी। अनिरुद्ध ने अवश्य हमसे कोई छल किया है कुमार। हो सकता है इतने सारे प्रहरियों को देखकर अनिरुद्ध महल के किसी कोने में छुप गया हो। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि अनिरुद्ध उषा के साथ नहीं गया और यही इस राजमहल के किसी कोने में छुपा बैठा है? हाँ महाराज, इस महल में वो राजकुमारी उषा के कक्ष के अतिरिक्त और कहीं सुरक्षित रह ही नहीं सकता। महामंत्री कुमार, यदि भगोड़े कायर कृष्ण का पोता एक कुमारी कन्या की आड़ लेकर उसके कक्ष में छुपा बैठा है, तो हम उसी कक्ष को उसकी चिता बना देंगे। चलो हमारे साथ। चलिए महाराज। अनिरुद्ध, ओ भगोड़े कायर कृष्ण के पोते, हम जानते हैं कि तुम अपना काला मुंह छुपाए यहां बैठे हो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अब तुम अधिक समय तक छुप कर नहीं रह सकते। बाहर आओ। अनिरुद्ध, हमारे आते ही तुम्हें सांप सूंघ गया क्या? अनिरुद्ध, क्या घिग्गी बन गई है क्या? असुरेश्वर, लगता है वो कायर यूं बाहर नहीं आएगा। सुनो, कक्ष का कोना कोना छान मारो, और यदि वो भगोड़े कायर कृष्ण का पोता कहीं नजर आए तो उसे बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। हम उसके मुख पर हमारे और मृत्यु का भय देखना चाहते हैं। जाओ। अरे वहां खोजो उसे। अरे मिला कि नहीं, वो घुस बैठिया। जाएगा बचकर कहां हमारे हाथों से असुरेश्वर? हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे। महाराज, ये देखिए। अंततः शिकार हमारे हाथ आ ही गया कुभार।
अब क्या कायरों की भांति अंदर छुपे बैठे हो? बाहर आओ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी। प्रहरियो निकालो इसे घसीट के बाहर जल्दी। शत्रु कितना भी चालाक क्यों ना हो, बानासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। भाड़, कौन है ये दुष्ट? हाँ सुरेश्वर, ये तो कहार है। इसका अर्थ है कि अनिरुद्ध कहार के भेष में भाग गया। अनिरुद्ध, उषा बाहर आ जाओ। सिपाहियों, कहारों, अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा। कहार, तुम रुक जाओ। तुम्हें हमारे साथ पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर चलना है। जो आज्ञा। आओ। आइए। पार्वती, आपका हम पर बड़ा उपकार है जो आपने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया। अब आपसे प्रार्थना है कि आप आगे भी इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें। हे त्रिनेत्रधारी, हे आदि माता पार्वती, आपने मुझसे राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा को मिलाने का शुभ कार्य दिया है। मेरी आपसे विनती है, आप इन दोनों के मिलन को अटूट बनाना और इस संबंध में मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसका अवसर अवश्य मुझे प्रदान करना। आइए, जल्दी आइए। राजकुमार अनिरुद्ध, द्वारिका जाने के लिए शिव मंदिर के पीछे से एक रास्ता वन से होकर गुजरता है, वहां से आप सुरक्षित रूप से द्वारिका जा सकते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो ना चित्रलेखा। पगली, विवाह के बाद कन्या को मायके से अकेले ही जाना होता है, वैसे भी मेरा भला वहां क्या काम। परंतु इस संकट के समय हम दोनों तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राजकुमार, मेरे हाथों इतना महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है, यदि मेरे प्राण भी संकट में आ जाए ना तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। अपनी सखी के लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर सकती हूँ,
चित्रलेखा, मेरे जीवन को अर्थ देकर अपने जीवन को व्यर्थ करने की बातें करती हो। पगली, माता पार्वती की इच्छा को साकार रूप देने के लिए यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और तुम हो किसे व्यर्थ समझ रही हो। तुम कुछ भी कहो चित्रलेखा, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे प्राणों की बलि नहीं दे सकती। मैं तुम्हें यूं संकट में छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि असुरेश्वर को अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करना है तो हम दोनों के खून से ठंडा करें। उषा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भावना के आवेश में ये तक भूल गई हो कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में होता है। यदि वो चाहे तो किसी को जीवन दे दे और चाहे तो मृत्यु दे दे। उषा, ईश्वर की यदि इच्छा हो तो एक छोटी सी चींटी हाथी के पैर के नीचे भी जीवित रह सकती है। इतना ही नहीं उषा, यदि एक चींटी हाथी के कानों में प्रवेश कर जाए तो उस महाकाय प्राणी के प्राणों के हरण का कारण भी बन सकती है। चित्रलेखा, तुम ये सब बातें अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हो। मैं जानती हूं तुम भी मुझसे एक क्षण के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे भीतर उठने वाले दुख और करुणा की प्रलय को तुम्हारी डबडबाई हुई आंखों में उमड़ते हुए देख रही हूं। चित्रलेखा, चित्रलेखा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उषा, नहीं जाऊंगी। राजकुमार, इसे समझाइए ना। उषा, राजकुमार, उषा मेरी सखी ही नहीं, मेरी जीवन संपत्ति भी है। इसे पग पग पर संभाल के रखिएगा। चित्रलेखा, मैं तुम्हारी इस अनमोल संपत्ति को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा। राजकुमार, मेरी सखी उषा भावनाओं की कच्ची मिट्टी से बनी ऐसी पुतली है जो अपने ही आंसुओं की नमी से पिघल जाती है। राजकुमार, इसलिए से जीवन में कभी भी दुख मत देना, हमेशा सुख ही देना। चित्रलेखा, क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे बाहुबल पर भरोसा नहीं है? विश्वास रखो चित्रलेखा, मैं उषा की सुरक्षा करूंगा और हमेशा उसे अपने हाथों में किसी फूल की भांति उठाए रखूंगा। राजकुमार, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं उषा का हाथ आपके हाथों में सौंपती हूँ। राजकुमार अनिरुद्ध, उषा, अब आप दोनों यहां से जल्दी से चले जाइए। पिता की घड़ी को और लंबा मत कीजिए। पता नहीं कब असुरेश्वर के छोड़े हुए सांप जो आप दोनों की ताक में है अपने बिलों से बाहर निकल आए। शीघ्र कीजिए, जाइए। रुक जाओ। मैदान छोड़कर भाग रहे हो राजकुमार, क्यों? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। हमारे राज्य में बिन बुलाए घुसाए अतिथि बिना बुलाए भी आते हैं, परंतु यजमान की आज्ञा बिना जा नहीं सकते। असुरेश्वर ने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि पकड़ कर लाने की अनुमति हमें दी है। इसलिए चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? Ha 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 ha
मायासुर क्या कर लोगे तुम? मैं तेरा वध कर दूंगा। अच्छा, तू मेरा वध करेगा? चित्रलेखा, कुछ करो। उषा, मैं कोशिश कर रही हूं। उषा, तेरी माँ कुछ काम नहीं करेगी। पहले अपनी बिल से बाहर निकल। सपोले, कहां बिल में छिप गया तू?